और 4 लाख कुमारे गए तो राजा जनक जी से राजा दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आपके जनकपुर से हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो 4 लाख कुमारों के साथ 4 लाख कुमारियों को विदा कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जनक जी ने 4 लाख कुमारियों को भेजा भी था। आप देखे होंगे अयोध्या में एक घाट बना है, नया घाट, नया घाट पर है जानकी कुंज, वहां जनकपुर की तमाम बेटियां आई थीं। और कल की चौपाई में मैं आपको बताऊंगा कि जब ते ब्याह राम घर आए तो नित नौ मंगल मोद बधाए। जनकपुर में तमाम कन्याएं आई अयोध्या और लगातार विवाह चलता रहा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा अब एक बात आप लोग सुन लीजिए कि दुनिया में बारात जाता है तो दुल्हा आगे आगे और बारात पीछे पीछे, लेकिन राम जी के विवाह में जितने लोग खड़े हैं दुल्हा देखने, बारात जा रही है हाथ में माला और भाल पे चंदन। एक ने कहा कि क्षत्रियों का बारात है कि साधुओं का, कहा का है का अगर क्षत्री का बारात होता तो बढ़िया बढ़िया पोशाक वाले होते, लेकिन यहाँ के बाराती कैसे हैं? बोले हाथ में माला और भाल पे चंदन और सब दाढ़ी वाले देखात अवधपुर से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बरात। अवधपुर से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बरात। अवधपुर से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बरात। अवधपुर से मिथिला चली श्री राम जी की अजब बरात। अवधपुर से मिथिला चली। अब आगे वालों ने पूछा दुल्हा कहाँ है, आगे वाले बोले दुल्हा है, तो कहा कि दुल्हा है ये नहीं है, तो कहा अगर पता चल गया कि दुल्हा नहीं बारात जा रही तो बड़ी बदनामी होगी राजा दशरथ की। कहा तब, तो कहा कि जो लोग पूछे दुल्हा कह दो बीच में आ रहा है। अब बीच वाले पूछे दुल्हा, बोले पीछे आ रहा है। पीछे वाले पूछे दूल्हा, बोले वो भीड़ में आगे निकल गया। बोले सच्चिदानंद भगवान के इतनी लंबी भीड़ कौन देखने जाए, दुल्हा कब निकल करके चला गया। राजा जनक जी ने दही और चूड़ा भेजा। अब बेचारे ऐसा लग रहा था मनहू दरिद्र महानिधिपाई चूड़ा दही को देख करके बर्तिया लगे खाने। एक ने कहा जनकपुर के दूत ने कि ऐसा लग रहा जैसे जन्म भर का दरिद्र कोई बहुत बड़ा संपत्ति पा गया हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जब दही चूड़ा पर ये हाल है तो अगर कहीं दाल भात पा जाएंगे तब क्या होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की है? अच्छा अब जनकपुर में बड़ा आनंद हो रहा है और बराती बड़े भाव से सब जा रहे हैं और प्यारे आनंद आ रहा है। और बाबा जी कहते हैं कि जब बारात पहुंची है अयोध्या से मिथिला में तो आनंद आ गया और माताएं कहने लगी आज आइल बारात जनक नगरी। आज आइल 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 कहवा बैठाऊं राम और लक्ष्मण। कहवा बैठाऊं राम और लक्ष्मण। कहवा बैठाऊं दशरथ समधी। आज आइल आज आइल बारात सब बैठे रहिए नगरी। आज आइल ओ आज आइल बारात जनक नगरी। आज आइल आज आइल बारात जनक नगरी। आज आइल कहवां बिठाऊं कहवां बिठाऊं राम और लक्ष्मण। कहवां बिठाऊं राम और लक्ष्मण। अरे कहवां बिठाऊं जनक कहवां बिठाऊं दशरथ समधि। आज आइल आज आइल बारात जनक नगरी। आज आइल ऐसे नहीं दोनों हाथ उठ करके बोलिए मंडप बिठाऊं राम और लक्ष्मण। मंडप बिठाऊं राम और लक्ष्मण। सिंहासन बिठाऊं दशरथ समधि। आज आइल आज आइल बारात जनक नगरी। आज आइल अरे क्या मैं
और लक्ष्मण जावे जावे राम और लक्ष्मण क्या मैं खिलाऊं दशरथ समझी आज आई ओ आज आये बरात जनक नगरी आज आये मेवा मिठाई राम और लक्ष्मण मेवा मिठाई राम और लक्ष्मण पूरी और खीर पूरी खीर दशरथ समझी आज आई आज आये बरात जनक नगरी अब जिनको नाचना है वो खाली खड़े होंगे बाकी सब बैठे रहेंगे जब कहेंगे तब बैठ जाना अरे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे राम 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 की शादी है हो जो नाच रहे हैं उनको तो कम से कम उत्साहित करो दोनों हाथ भर करके बोलो आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी दोनों हाथ जोड़ के हरि बोल शुभ लग्न मुहूर्त देखो क्या खूब जमी है मेरे राघव की सूरत खुशी से नाचो गाओ आज खुशियां बरसाओ राम जी दूल्हा बने हैं बराती तुम बन जाओ दोनों हाथ भर करी प्रेम से आज मेरे राम की शादी है 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 बोलिए हम तो नाचेंगे हम तो नाचेंगे हम तो नाचेंगे सारी सारी रात तेरी शादी में हम तो नाचेंगे सारी सारी रात तेरी शादी में ओ राघो तेरी शादी में राघो तेरी शादी में ओ राघो तेरी शादी में ओ राघो तेरी शादी में सभी राम भक्त उठाएं हाथ अपना पूरा और हाथ भर करके बोलेंगे हम तो नाचेंगे हम तो नाचेंगे हम तो नाचेंगे सारी सारी रात राघो तेरी शादी में हम तो नाचेंगे सारी सारी रात राघो तेरी शादी में खुद नाचेंगे तुमको नचाएंगे खुद नाचेंगे तुमको नचाएंगे दिन रात तेरी महिमा को गाएंगे दिन रात तेरी महिमा को गाएंगे होगी खुशियों की वर्षा होगी खुशियों की वर्षा होगी खुशियों की वर्षा राघो तेरी शादी में हम तो नाचेंगे सारी सारी रात राघो तेरी शादी में हम तो नाचेंगे सारी सारी रात ओ राघो तेरी शादी में हरि बोल
बिहारी, दूल्हा बन गए अवध बिहारी। हम तो जागेंगे आज की रात। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हम तो जागेंगे आज की रात, राखो तेरी शादी में। हम तो जागेंगे आज की रात, राखो तेरी शादी में। हम तो जागेंगे आज की रात, राखो तेरी शादी में। हम तो जागेंगे आज की रात, राखो तेरी शादी में। बोली रामचंद्र भगवान की। अब आप लोग बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। जैसे बनेगा माला, माला अर्पण होगा, तुरंत आप लोग ताली बढ़िया से बजा दीजिएगा। सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, प्रभु खड़े हो जाएंगे और माल्या अर्पण होगा। हाँ, प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा। आरती करके, माल्या अर्पण करके, भगवान की कंठ जुराई करके तब यहां से जाइए। ठीक ठीक। हाँ, मिठाई प्रसाद लेकर के आप लोग बड़े भाव से